प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक नया अवसर मिला है। प्रदेश सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि युवाओं को एक नया मंच मिले। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यह इस महोत्सव के कारण संभव हो पाता है। हमारे कलाकारों के माध्यम से तमाम प्रस्तुतियां होंगी, जिसको देखकर यह अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश को नष्ट करना हो तो उसके संस्कृति को नष्ट कर दे, इससे पूरा देश नष्ट हो जाएगा। जब तक किसी देश की संस्कृति संरक्षित व सुरक्षित रहेगी, तब तक उस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा नए नए आविष्कार करके यंत्र बनाए गए हैं। यह प्रदर्शित करता है कि भारत वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के आधार पर भी आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सदस्य सांसद रवि किशन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कला संभव नहीं है जब तक हमारे भारत देश का प्रत्येक नागरिक मासिक धर्म के प्रति जागरूक हाँ बिल्कुल, गोरखपुर महोत्सव मित्र वहाँ जगह ना है भाई, देख लियो भैया क्या हवाई एयरपोर्ट एयरपोर्ट कौन रोड पोर्ट है क्या कर लो। अच्छा यही ना करेंगे आप नहीं जाएंगे क्या करना है, इस बात को आप सभी के लिए विशेष मंत्री जी एक बार आप देख लेना, अभी कुछ बल्टी नहीं हमारी खोरा बहुत हुआ, उसके लिए खुला मौसम चाहिए, अधिकतम हुआ हिल स्टेशन वगैरह पे पांडे जाते हैं, पांडे कि आज गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, तो किसी भी समाज के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये इन महोत्सव के द्वारा संभव होता है। ये महोत्सव हमारे भारतीय संस्कृति की कलाओं के प्रतिबिंबित करने के लिए एक सबसे बड़ा मंच है, जो हमारे कलाकारों के माध्यम से तमाम प्रस्तुतियाँ होंगी वो हमारी अगली पीढ़ी तक पहुँचे। हम अपनी भारतीय कलाओं को, सभ्यताओं को, रहन सहन को, वातावरण को अगली पीढ़ी हमारी जाने, और ये किसी भी प्रदेश देश या समाज को जब नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, नष्ट हो जाएगा। जब तक किसी देश की संस्कृति सुरक्षित संरक्षित है तब तक उस देश को कभी कोई बर्बाद करने की हैसियत नहीं रखता है। निश्चित रूप से इससे जो महोत्सव है इसमें तमाम हम देख लेंगे कलाकारों के माध्यम से लगातार प्रस्तुतियां होंगी, और प्रस्तुतियों के माध्यम से हमारी कला संस्कृति का रूबरू होने का लोग मौका उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, और यह तमाम हमारी अगली पीढ़ी जो आएगी या सुनने देखने वो करेंगी। अभी हम विज्ञान प्रदर्शनी में खड़े हैं, नए बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा नए नए इनोवेशन, नए नए आविष्कार यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन करता है कि भारत न सिर्फ सांस्कृतिक माध्यम से बल्कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हमारी प्रतिभाएं किसी विश्व के अंत देश से कमजोर नहीं है, हम बहुत आगे हैं और विश्व पटल पर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं।